हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। यूपी विशेष की कक्षाएं लगातार जारी हैं और इससे पहले आप दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। और मैं आपको बता दूं कि ये तीसरा लेक्चर उन दोनों लेक्चर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमने कई सारी चीजों को शामिल किया है जो परीक्षा में अभी तक पूछी गई है और पूरे पूछे जाने की संभावना है। पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, लोअर और आरओआरओ जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में यूपी स्पेशल के 8, 10 या 12 सवाल रहते ही हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जहां से प्रश्न हमेशा, मतलब कोई परीक्षा ऐसी जा नहीं सकती है जो ना पूछे जा रहे हो, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, पूरा नोट्स तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद अभी एक कुछ वीडियो और भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में। इसके बाद जो भी रेस्ट मटेरियल, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण और चीजें बच गई हैं जिनको हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, उनको हम आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी होंगी, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और आपने टेलीग्राम शायद ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम बदल गया है, पहले सिविल सर्विसेज जोन था, अब डीपी एडुकेयर हो गया है। तो डीपी एडु के नाम से या डीपी सिंह सर के नाम से आप टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्ट जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी मटेरियल वहां पर पड़ा हुआ है पहले से, हिंदी का है, जीएस का है, वो सारा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। और जो यूपी स्पेशल का मटेरियल है वो भी आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो यूपी की जनगणना पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इसके बाद जीएस की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जब तक आरओआरओ या खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा नहीं आ जाती है हम सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। बस इसी तरह से आप लगातार पढ़ते रहिए और आपको हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास शुरू करने से पहले वही मेरा निवेदन कि सब्सक्राइब संख्या बहुत कम बढ़ रही है, आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है, ठीक है, कि इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने दो चार मित्रों को फोन करें, उनको बताएं, ठीक है, हमारे बारे में उनको वीडियो भेजें, ठीक है, ताकि वो भी अगर किसी परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो आकर के चैनल को ज्वाइन करें और अपनी भी तैयारी को वो नई दिशा दें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रमुख लोकगीत हम बात करेंगे, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोकगीत हैं जो गाए जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पूर्वांचल में कुछ और हैं, है ना, बुंदेलखंड में कुछ और हैं, ब्रज क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखते हैं कि पूर्वांचल में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है कजरी, ठीक है, बिरहा, पूर्वी, चैता, झूमर, दादरा, कव्वाली, सोहर, चौलर, झूला, होली, इतने सारे लोकगीत कहां पर गाए जाते हैं, पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में ये गाए जाते हैं। देखिए अब इतने तो हैं आप याद नहीं कर पाएंगे, तो इम्पोर्टेंट कौन सा, ठीक है, देखिए कजरी बहुत इम्पोर्टेंट है, कजरी, ठीक है। और ये कजरी का जो स्पेशल क्षेत्र है, ठीक है, जो ये मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, यानी कि मिर्जापुर अगर हम जिले की या उस मंडल की बात करें तो सबसे ज्यादा कजरी उसी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगर पूर्वांचल के नाम से पूछा जाए तब भी आप कजरी बताएंगे, या अगर ये पूछा जाए कि किस जिले में, तो मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में ये कजरी का चलन बहुत ज्यादा है, वहां पर ये गाया जाता है, ठीक है। साथ ही अगर सोहर की बात की जाए पूर्वांचल में भी गाया जाता है, लेकिन ये जो है ना ये अवध क्षेत्र का, ठीक है, जो सोहर है ये अवध क्षेत्र का एक प्रमुख लोकगीत है और इसका गायन तब किया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि खुशी के पल होते हैं, बच्चे के जन्मोत्सव पर सोहर गान गाया जाता है बेसिकली अवध के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं, तो बुंदेलखंड में आला बहुत प्रसिद्ध है, यूसुरी, फाग, हरदौल और पमारा, ठीक है, यहाँ पर आला बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ पर गाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। ब्रज क्षेत्र में क्या गाया जाता है, रसिया, फाग, झूला, होली, होरी, ठीक है, ये कहाँ पर गाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र में क्या प्रसिद्ध है, रागिनी,
एक टाइप की नौटंकी जैसी होती है, ठीक है, वहां पर स्टेज पर महिलाएं चढ़ करके नृत्य करती हैं गानों पर, तो वो सुरागनी बोलते हैं। और एक है ढोला, ठीक है। देखिए दोस्त, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक देखते रहिएगा, बीच में स्किप नहीं करना आपको, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोक नृत्य की बात करें, अगर फोक डांस की बात करें, तो राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं और किन किन क्षेत्रों में इनका जो ये नृत्य किए जाते हैं। अगर पूर्वांचल की हम बात करें तो धोबिया नृत्य है, कठघोड़वा नृत्य है, नटवरी नृत्य है, नटौरा नृत्य है, ये कहाँ पर गाए जाते हैं, ये पूर्वांचल के सभी है, ठीक है। यहाँ पर इच्छा में पूछा भी जाता है अक्सर में धोबिया के बारे में और कठघोड़वा के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड की बात करें तो धुरिया जो लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सौरा नृत्य, घोड़ा नृत्य, ख्याल नृत्य, राई नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, राई पायु डिंडा नृत्य, ठीक है, ये सब कहां पर है, बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। ब्रजभूमि की यानी कि ब्रज क्षेत्र की बात करें तो फिर चरकला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां पर, ये ब्रजभूमि में या ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। लठमा रोली आपको पता है, वृंदावन और बरसाना में बहुत ही फेमस है लठमा रोली, कई बार प्रश्न भी आता है यहाँ से। रास नृत्य भी ब्रजभूमि में, और भड़ा नृत्य भी, मयूर नृत्य और झूला नृत्य, इतने सारे कहाँ पर, ब्रज क्षेत्र में या ब्रजभूमि में किए जाते हैं, ठीक है। मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है कर्मा, ठीक है, और शीला, ये जो वहां की सोनभद्र और मिर्जापुर जो खरवार जनजाति है ये उनके द्वारा किया जाता है कर्मा, तो ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कर्मा लोक नृत्य कहाँ पर, ये सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो महोत्सव के नाम क्या है और कहाँ पर वो मनाए जाते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो जो ताज महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, आगरा में। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आगरा भी, आगरा में। और जो सुलह कुल उत्सव ये है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सुलह कुल उत्सव यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये उत्सव रूप में मनाया जाता है। लखनऊ उत्सव लखनऊ मनाया जाता है। देव दीपावली उत्सव ये वाराणसी मनाया जाता है। कजरी महोत्सव ये मिर्जापुर मनाया जाता है। और कंपिल उत्सव ये फरुखाबाद मनाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में पूछा ना गया हो, ठीक है। चलिए प्रमुख मेलों की बात कर लेते हैं, हमारे प्रदेश में बहुत सारे मेले लगते हैं, ठीक है, तो प्रमुख मेले कहाँ कहाँ पर लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे प्रश्न एक ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देवाश्री मेला कहाँ लगता है, ये है बाराबंकी में, ठीक है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, बहराइच में। नौचंदी मेला कहाँ पर है, मेरठ में। शाकंभरी मेला कहाँ पर है, सहारनपुर में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, ये आगरा में, ये पशुओं का मेला है। ये बटेश्वर मेला क्या है, पशुओं का मेला लगता है, पशु मेला है बेसिकली, ऊंट ऊंट के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। बटेश्वर में ऊंट जो है आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, हर प्रजाति के ऊंट वहां पर मिल जाते हैं। कालिंद्र मेला कहाँ पर, बाना में लगेगा। ददरी मेला बलिया में, और मकनपुर मेला ये फरुखाबाद में लगता है, मकनपुर भी ये पशु मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, यहां से अक्सर प्रश्न आता ही है जनजाति के बारे में, ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें राज्य में कुल जनसंख्या का 0.6% एसटी पाए जाते हैं, ठीक है, कितने, राज्य की कुल जनसंख्या के 0.6% अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और राज्य में ही यानी उत्तर प्रदेश में दो जिले ऐसे हैं यानी अयोध्या और जालौन, जहां पर एक भी एसटी नहीं पाया जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2003 से पहले मात्र दो अनुसूचित जनजातियां थीं, कौन कौन सी, थारू और बुक्सा। इसके बाद 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया है, तो अब उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या हो गई है 12, यानी कि दो पहले से और 10 2003 में जोड़ दी गई, तो टोटल हो गई 12, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो है थारू, ठीक है, और सबसे छोटी जनजाति कौन है, ये है बंदावत। बड़ी छोटी से मतलब ये है कि जनसंख्या के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और वनरावत जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के जिले में पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और उससे कम बलिया में, ठीक है,
कभी कभी सोनभद्र विकल्प में नहीं होता है तो दूसरा पूछ दिया जाता है कि सोनभद्र के बाद किस जिले में, तो फिर बलिया है, ठीक है। और सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पाए जाते हैं, बागपत में, ठीक है। और थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक का त्योहार मनाते हैं, दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कई बार प्रश्न में पूछा, 500 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं, वो है थारू जनजाति, ठीक है। और प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा गया कि बुक्सा जाति की जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो एकमात्र जिला है बिजनौर जहां पर बुक्सा जनजाति के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और एक जनजाति है खरवार, जो कि सोनभद्र में सबसे ज्यादा और मिर्जापुर में भी पाई जाती है, ठीक है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा है एक खरवार, फिर मिर्जापुर में भी है, देवरिया में है, बलिया में है, गाजीपुर में ये पाई जाती है, ठीक है। और जो थारू जनजाति है, ये बेसिकली कहां पाई जाती है, तो तराई के क्षेत्र है, जैसे कि महाराजगंज है, ठीक है, श्रावस्ती है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर है और लखीमपुर है, ये क्या है, तो ये तराई के क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में थारू जनजाति पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, या यूं कहें कि जो इनका प्रमुख निवास स्थल है वो कहां पर है, ये तराई क्षेत्र है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, मोहम्मद समझिए कि यहाँ पर जो एक एक लाइन लिखी हुई है वो अपने आप में एक प्रश्न है और वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। चलिए ऐसी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम यूपी स्पेशल के अगले वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।